कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? है सर। हाँ क्या बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ अरे क्वेश्चन नंबर बोलो। 27। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 27 में क्या प्रॉब्लम है आपको ये बताइए, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट? सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ठीक है, सेकंड पार्ट को छोड़ दीजिए, फर्स्ट पार्ट जो है, क्योंकि ये सब मैंने बोला है, अब जो क्वेश्चंस रह गए, क्योंकि उसमें पूरा पूरा एक्सरसाइज में अब देख रहे हैं ना, दो दो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, तो 3 क्लास मैंने पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कराया, फिर भी अभी लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला है संडे को 2 या 3 घंटे की क्लास रखेंगे, ठीक है, तब जाके उसको उसमें सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसमें वो भी आ जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको आना चाहिए था, सेकंड पार्ट नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट वैसे 9th क्लास का सर। क्वेश्चन है, वो 11th का नहीं है, फिर भी है, मुझे पता है कि वो आप लोगों को दिक्कत होगा क्योंकि 9th में आप लोग पढ़ते थे नहीं। ठीक है, तो करा दूंगा मैं उसको। फर्स्ट पार्ट वो इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड टेस्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं, सेकेंड पार्ट से रिलेटेड नहीं है। चलिए, और कुछ किसी को पूछना है या नहीं? ठीक है, फिर हम लोग चैप्टर 4 में अब हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, मोशन इन प्लेन चल रहा था, उसमें वेक्टर्स की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो वेक्टर्स में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे वेक्टर्स को ये स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है ये बता दिया है आपको। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वही होगा जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसमें है ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसको वेक्टर क्वांटिटी हम लोग सिर्फ उसी बेस पे नहीं बोलते हैं। ठीक, उसके बाद फिर मैंने आपको वेक्टर्स को कैसे ऐड करता है, 2 लॉज बताए थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी को थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको वेक्टर्स में ये बताया था मल्टीप्लाई करेंगे एक वेक्टर को स्केलर से। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये है ना, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो वो वेक्टर क्वांटिटी ही रह जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लैम्डा है, लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है और ए जो है वो एक वेक्टर है। ठीक है, तो इस केस में लैम्डा जो है स्केलर क्वांटिटी वो बाहर आ जाएगी और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे दिया हुआ है, तो इसको आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी किसी एक वेक्टर को अगर हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, कि एक ये दोनों जो है इस तरह से अगर रहे, एक मतलब आपको ऐसा दिया हुआ था लैम्डा इंटू वैक्टर ए है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि स्केलर है या वेक्टर है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि किसी भी स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा। ठीक है, अब अगर दोनों वेक्टर का इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड को हम लोग इससे डिनोट करते हैं 2 बार से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये तो इसको मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है तो इसको मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसका मॉड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, जैसे एक आपको दे ही रखा है कि एक वेक्टर को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2a वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो ए के डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड जो होगा वो 2 टाइम्स a के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये सब भी आपको मैंने बता दिया, a 2a - a कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आपको ये बता दिया हूँ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ दोनों को फॉलो करता है। ठीक है, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये सब हो गया। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं आप लोग को, जो मैंने एनसीईआरटी की जो चैप्टर 3 की हाईलाइटेड भेजी है, हाईलाइट करके भेजा हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैंने सारा उसमें आपको भेज रखा है। ठीक है, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा एनसीईआरटी आप लोग नहीं पढ़ते हैं 11th में तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट हाईलाइटेड पोर्शन जितना भी है उसको आप पढ़िए। ठीक है,
उसके बाद फिर आपको शायद मैंने नल वेक्टर के बारे में बताया था। नल वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, नल वेक्टर को समझने के लिए उससे पहले हम लोग को एक वेक्टर का सब्ट्रैक्शन समझना होगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बाद हम नल वेक्टर को आसानी से समझ पाएंगे। कहता है कि इट इज डिफाइंड एंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स वी डिफाइन द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी एज द सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस। देखिए दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर अगर ए है, ठीक, और दूसरा वेक्टर अगर आपको क्या बोल रहा है कि बी है ना, तो ए और बी वेक्टर का डिफरेंस कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा सीधी सी बात है, याद रखिएगा कि वेक्टर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, दो वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, और दो वेक्टर्स डिवाइड भी नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो क्या होता है, अगर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर भी हमको करना है सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, सपोज अगर मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर अगर बी वेक्टर ये है, ठीक। अब फिर आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर बी है तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, ये बताइए, ये वेक्टर क्या बनेगा, ये जो मैंने ड्रॉ किया इसको क्या बोलेंगे, उठा लो भगवान इधर की तरफ से, माइनस बी वेक्टर, कोई तो बोलो इसको क्या बोलेंगे, माइनस बी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं ना जस्ट इसके अपोजिट है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इस माइनस बी वेक्टर को ए के हेड पे जाके उठा के पटक देंगे, ठीक है, ए के हेड पे इस माइनस बी वेक्टर को रख दिया, दिस इज माइनस बी वेक्टर, ओके। अब फिर ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, और इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ए वेक्टर प्लस, क्योंकि रिजल्टेंट जब हम लोग करते हैं इस तरह से तो एडिशन होता है, ए वेक्टर प्लस दूसरा कौन सा है, माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो आप देखिए ये इनडायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हुआ है ना, ए प्लस माइनस बी, ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी वेक्टर, समझ गए ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कभी होता नहीं है डायरेक्टली, उसको करना पड़ेगा क्या, सम, ठीक है। आगे बात समझ में, कैसे सम करेंगे, तो जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर अपनी मर्जी से बनाएंगे, ठीक है, बना के फिर उसको ए के साथ सम कर देंगे, पहले वेक्टर के साथ सम कर देंगे। समझ आया या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया, आ गया। यस सर, एक बार और, ठीक है। चलिए मैं बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी करना है, आपको दे दिया कि वेक्टर ए जो है ऐसा है और वेक्टर बी जो है ऐसा है, ठीक है। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट करने का कोई रूल नहीं होता, ठीक है, करना है क्या, सिर्फ ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट कभी कर ही नहीं सकते हम वेक्टर्स को। तो ऐड कैसे करेंगे, तो ये अगर वेक्टर बी है तो इसको, यानी बी के पीछे आप देख रहे हैं माइनस साइन लगाना है, तो बस बी का माइनस ले लिया, यहाँ पे माइनस बी वेक्टर ये बन गया। अब इस माइनस बी वेक्टर को उठा के यहां से पैरेलली शिफ्ट कर दिया किस पे, ए के हेड पे। तो जैसे ही ए के हेड पे हम बी वेक्टर के माइनस को रखेंगे, है ना, मतलब बी वेक्टर को ए के हेड पे रखेंगे माइनस बी को, अब फिर ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो वेक्टर आया रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये वाला, ठीक है। तो ए प्लस माइनस बी, तो यानी प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, ए माइनस बी ही होता है, यानी डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे दो वेक्टर, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक जो अपोजिट वाला जिसका कि सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, उस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे और ए के साथ उसको ऐड कर देंगे। एग्रीड, समझ आ गया सबको, यस सर, ठीक है। अब आपका आता है नल वेक्टर, ठीक है, अब नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, अब इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। नल मतलब जीरो, ठीक है, इसको हम लोग जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको
सपोज एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ए वेक्टर, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा है ये, ठीक है, ठीक, और बोल रहा है कि आपको नल वेक्टर लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है एक और वेक्टर हम लोग अपनी मर्जी से लेंगे, ठीक, इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, माइनस ए वेक्टर। तो अब दोनों को जब आप ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए मैंने आपको क्या बोला है कि फर्स्ट वेक्टर को पहले लिए, ठीक है, अब ऐड करना है, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, यानी माइनस ए वेक्टर के टेल को रखेंगे, तो इसको रखेंगे और इसको 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 उठा के इसके ऊपर में शिफ्ट कर देंगे, है ना, तो इसको उठा के ऐसे रख दिए, तो आप देखिए इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, तो फर्स्ट का टेल और दूसरे का हेड एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, तो जो पॉइंट पे मिला वो क्या हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। ध्यान दीजिएगा कहीं पे अगर ये रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और कहीं पे ये लिखा हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस है मालूम है, वंस मोर आई एम रिपीटिंग, ठीक है, नल वेक्टर समझ आ गया ना सबको, अगर मान लीजिए कहीं पे ओ लिखा है और कहीं पे ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है बताइए, या दोनों सेम है, डिफरेंस है। पार्थ है, पार्थ यस है, चलिए बोलिए दोनों में क्या डिफरेंस है, अब ये मत बोल देना ये सर, एक स्केलर है, ये एक वेक्टर है, ये मूर्ख भी बोल देगा कोई, नहीं है सर, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, कोई सेम ही चीज है। कैसे डिफरेंस नहीं है यार, दोनों सेम है, सर वो जीरो है, नल वेक्टर है। अरे यार जीरो और नल वेक्टर तो मैं ही बता रहा हूं भाई, डिफरेंस बताइए जिससे एक में कि वेलोसिटी, एक में वेलोसिटी नहीं। ओ माता, कोई वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वेलोसिटी ही होगा सबका, ठीक है, अब तो बोलेगी एक फोर्स का वेक्टर है उसमें बोलेगी उसमें भी वेलोसिटी हो गया, अरे माता जी क्या कर रही है, दो वेक्टर का हाँ सम 0 आ रहा है सेकंड वाले में, और फर्स्ट वाला कुछ भी हाँ नंबर है। फर्स्ट वाला जो है कुछ भी नंबर है, ठीक है, देखिए आपको इसको डिफरेंस समझाता हूँ, मेन डिफरेंस आप लोग पढ़ते नहीं है ना ठीक से, ये जो है मैग्नीट्यूड है ओनली, ठीक है, जीरो क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, ठीक, कहीं से भी आया, अब ये क्या है, दो वेक्टर्स को मिला के उसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, जीरो आया है, ठीक है, इसका तो मैग्नीट्यूड जीरो है ही, अब ये जो दो वेक्टर को मिला के उसका मैग्नीट्यूड क्या आया है, जीरो, और इसका डायरेक्शन क्या होता है मालूम किसी को, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर बताइए, एक ही पॉइंट इसका पर डायरेक्शन नहीं, इसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है, जिसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इट्स डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट, ठीक है, समझ गए, यही इसका मेन चीज आपको बोलना था कि इसमें डायरेक्शन है, एंड दिस डायरेक्शन इज सच दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन, मीन्स ऑल डायरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी बोलना है, अप डाउन, ठीक, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो जीरो और जीरो वेक्टर में डिफरेंस आ गया सबको समझ में कि क्या है, बोलिए, ठीक है, यस तो इसी को हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अगर आपको बता दूं थोड़ा सा, कि अगर आप एक वेक्टर ए है, ठीक, और प्लस में, ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी देखिए, ए वेक्टर ए है प्लस में जीरो वेक्टर है, तो इस दोनों का सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए वेक्टर मिलेगा, एग्रीड, एग्रीड और नॉट, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सर, यही होगा और डायरेक्शन जो है ए का जो डायरेक्शन है वही होगा, ठीक है, समझ गए, अगर एक कोई भी स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा, ठीक है, मतलब 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, अगर इसमें हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी 2 × 0 वेक्टर करेंगे, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, बोलिए रिजल्टेंट क्या आएगा, लैम्डा आएगा या कुछ और आएगा, लैम्डा वाह, वेक्टर, लैम्डा वेक्टर, लैम्डा वेक्टर। एक बात बताओ यार, ये तो बचपन की कहानी है,
इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, इसमें जीरो के जीरो से मल्टीप्लाई होगा और उसमें जो डायरेक्शन होगा है ना वो ओके डायरेक्शन में हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू जीरो क्या है, जीरो ही तो होगा, ठीक है, लैम्डा कैसे हो सकता है यार है? ये लैम्डा एक कांस्टेंट है, टू टू को अगर आप जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो उसका जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि इसका भी तो मैग्नीट्यूड जीरो है, तो इसके मैग्नीट्यूड जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो जीरो हो गई, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ ओके डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रही बात सबको कि नहीं आई? यस यस सर। ठीक है, तो लैम्डा लैम्डा एक स्केलर है, उसमें अगर हम लोग नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो आपको एक नल वेक्टर मिलेगा, ठीक है, लैम्डा नहीं मिलेगा, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो उसका जीरो ही है, तो आप लैम्डा को तो भूल जाइए, ठीक है। और जानते हैं हम लोग, इतिहास गवाह है, जीरो से किसी का अगर शादी करा देते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो ही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम जीरो को, जीरो देखिएगा जीरो है वेक्टर नहीं, इसको अगर हम लोग ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बताइए, अब बताइए। एक जीरो था, ठीक है, मतलब जीरो है, ठीक है, और इसको हम लोग ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या होगा बताइए, जीरो, एक डायरेक्शन में जीरो, एक ही डायरेक्शन में जीरो साइड, ठीक है। यहाँ पर आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कॉन्सेप्ट, जीरो इंटू ए, ए का तो मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा जीरो, जब जैसे ये जीरो बनेगा तो डायरेक्शन ये अपना लेगा, किसी और का नहीं लेगा, क्योंकि वो जीरो वेक्टर बन जाएगा। यही सब चीज छोटी छोटी बात है जो ध्यान रखने वाली बात है, जो हम लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। होना चाहिए लॉजिकली ए का डायरेक्शन, लेकिन जब उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो वो अपना डायरेक्शन लेगा, ठीक है, समझ गए, किसी और का डायरेक्शन नहीं लेगा। तो याद रखना है, जीरो इंटू ए वैक्टर आपको जीरो वैक्टर देगा, ठीक। तो ये सब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, नल वेक्टर्स की, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन भी देख लिए, टू इंटू एनी वैक्टर टू ए हो जाएगा। उसके बाद और क्या पढ़ाना है आप लोगों को, एडिशन भी पढ़ा दिया, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव पढ़ा दिया, क्या दिमाग में चल रहा था पढ़ाने के लिए भूल गया यार, एक मिनट, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ में से पहले कुछ और चीजें पढ़ाना था, कोलिनियर वेक्टर पढ़ा दिया है क्या? हाँ, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, जैसे एक वेक्टर देखिए ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये एक बी वेक्टर है, ठीक है, और इन दोनों वेक्टर का ओरिजिनेट क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट से हो रहा है, एक जगह से शुरू हो रहा है, ठीक। तो इस तरह के वेक्टर्स को कोलिनियर को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं, नॉट कोलिनियर, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स, उसके बाद फिर कोलिनियर बताएंगे, ठीक है। को इनिशियल मतलब इनिशिएट क्या हुआ, दोनों सेम जगह से हुआ, और दो वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। अब आती है बात कोलिनियर वेक्टर, एक आता है कोलिनियर, ठीक है, आप लोग टेंथ में जब मैथ्स पढ़ते होंगे आपको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर आता था, उसमें प्रूफ करना होता था थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये कैसे होगा ये बताना है, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं कि अगर कोई एक वेक्टर है, ठीक है, या तो इसके पैरेलल कोई एक वेक्टर हो जाए, ठीक है, अगर पैरेलल हो गया तो आप देख रहे हैं एक ही सेम लाइन पे है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स जो है वो कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, ठीक है, या तो वही अलोंग द सेम लाइन हो या इसके पैरेलल हो जाए, ये ऐसे, ठीक है, दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल में हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में भी अगर होगा तो ये भी कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो कोलिनियर समझ में आ गया सबको, को इनिशियल, कोलिनियर, क्लियर है वर्ड्स, कोलिनियर क्या होगा,
या तो अलोंग होगा या तो पैरेलल होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर होता है को इनिशियल हो गया, कोलिनियर होगा, एक बोलते हैं को टर्मिनस, को डैश आएगा बीच में, टर्मिनस, ठीक है, मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही जगह पे टर्मिनेट हो, को मतलब आप देख रहे हैं ना, एक ही जगह बोलना चाह रहा है, ठीक है, तो को टर्मिनस वेक्टर, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर इधर से आ रहा है, एक वेक्टर इधर से आ रहा है, एक वेक्टर इधर से आ रहा है, तो ये जो तीनों वेक्टर हो गए, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ऑल थ्री वेक्टर्स आर को टर्मिनस बिकॉज दे आर टर्मिनेटिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है। अगर दो या दो से अधिक वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट होता है तो उसको हम लोग को टर्मिनस वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग ठीक है, अगर आपसे, चलिए ठीक है, एक बार पैरेललोग्राम लॉ के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ बता दिया था ना, हेड टू टेल मेथड वाला, उसी को ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, ठीक है। यस सर। देखिए एक वेक्टर है, सपोज वेक्टर ए, ठीक, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है, ठीक, इस दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो अगर क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ से ऐड करना होता तो हम लोग क्या करते कि एक वेक्टर ये था और बी को हम लोग पैरेलल उठाते ऐसे, ठीक है, ए के हेड पे रख देते और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देते, तो ये जो रिजल्टेंट था ये ए प्लस बी बन जाता, ठीक है, आगे ना बात समझ में, यही तो था ना ट्रायंगल लॉ। लेकिन अगर आपसे पूछा है पैरेललोग्राम लॉ, तो पैरेललोग्राम लॉ को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मालूम, तो टेल टेल जोड़ देंगे, किसको जोड़ेंगे, टेल से टेल को, टेल से टेल को, ऐसे कैसे जुड़ता है सर, जोड़ देंगे फिर पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, फिर दोनों के बीच से रिजल्टेंट निकाल देंगे। नहीं देखो क्या है कि एक वेक्टर तो ए था ही था, ठीक है, थोड़ा नीचे ले लेता हूं, ए वेक्टर को पैरेलली हमने उठा के यहां रख दिया, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो बी है, ये है बी, ठीक है, क्या किया, को इनिशियल वेक्टर्स बना दिया दोनों को, समझ गए, बी को क्या किया, ए के टेल पे रख दिया, ठीक, जैसे पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, बी के हेड पे रखते थे, अभी क्या करना है, ए के टेल पे बी को, बी के टेल को रख देना है, तो ये क्या बन गए, को इनिशियल वेक्टर्स बन गए। अब क्या करेंगे, बी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दिए, तो पैरेलली अगर हम किसी भी वेक्टर को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ए प्लस, ये वेक्टर बी ही हो जाता है, ये भी क्या हो गया, बी वेक्टर। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका, वही जैसे ट्रायंगल लॉ से आता था ना, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, तो ये इस तरह से ऐड हो गया, ठीक है। और फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए के पैरेलल इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है, सॉरी इसको डॉटेड रखना है, पैरेललोग्राम लॉ में बस एक पैरेललोग्राम बनाना है आपको, ठीक है, तो ए के पैरेलल को भी हम क्या करेंगे, इस तरह से ए के पैरेलल लेके जाएंगे, ठीक है, और फिर इसको रख देंगे, ठीक है, सो दिस बिकम्स ए वेक्टर, तो आप देखिए एक शेप बन जाएगा, पैरेललोग्राम शेप, ठीक है, और इस तरह से वेक्टर्स को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए आपका ये, इसको अगर हम लोग ऐसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी, ठीक है, समझ गए, और ऐसे अगर जोड़ रहे हैं तो ये बन रहा है b प्लस a, और a प्लस बी, देखिए ऐसे ऐसे गए और इसको ऐसे जोड़े, ये क्या बन जाएगा, b प्लस a, और हम जानते हैं a प्लस बी और b प्लस a दोनों सेम होता है, ठीक है, और यहां से भी आपको दिख रहा है। तो बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ में आपको क्या करना है,
कि दोनों जो वेक्टर्स दिए हुए उसके पैरेलल लेके हम लोगों को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो पैरेलल जैसे ही लेंगे तो हमारा रिजल्टेंट जो है बन जाता है, और उसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, समझ गए। तो ये पैरेललोग्राम लॉ, इसका हम लोग बाद में एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक और आता है आपको इसी तरह का, पॉलीगन लॉ, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पॉलीगन लॉ नहीं है सिलेबस में, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, मान लीजिए आपको क्या है पॉलीगन लॉ में, पैरेललोग्राम में जैसे चार साइड हो गए, तो इसमें पांच साइड छह साइड हो जाएंगे। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है, एक वेक्टर सी है, ठीक है, फिर एक वेक्टर डी है। अब बोल रहा है कि इन इन सबको ऐड करना है, ठीक। तो क्या करेंगे पॉलीगन लॉ में, यहाँ पर ए वेक्टर डाले, ठीक, यहाँ पर इसको बी वेक्टर बी के पैरेलल उठा के रखे, ठीक, फिर सी वेक्टर के पैरेलल उठा के रखे, ठीक है, और फिर सी वेक्टर के पैरेलल उठा के रखे। अब कौन बच गया, डी वेक्टर, ठीक है, तो डी वेक्टर को भी पैरेलल उठा के रख दिए, ठीक है। तो ये बन गया डी वेक्टर। तो अब देखिए, जब इन सबको ज्वाइन करना है तो क्या करेंगे, पॉलीगन लॉ क्या होता है, पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट दो वेक्टर को लेंगे ए और बी को, तो ये हो गया ए प्लस बी वेक्टर, ठीक। फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस फेस को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा मालूम है, इस वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे मालूम है किसी को, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद सी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तो ये था ही पूरा, और उसमें सिर्फ कौन एक ऐड हो गया, डी वेक्टर, तो ये अब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ब्रैकेट को हटा देंगे तो सारे वेक्टर्स ऐड हो गए। तो ये सिंपल था पॉलीगन लॉ, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया, कि कोई दिक्कत है तो बताइए, एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि सोच के रखिएगा, कल मैं आपसे ये क्वेश्चन जो है आपको पूछूंगा, कि आपको पूछ रहा है कि क्वेश्चन कि ट्रायंगल लॉ इज फॉलोड बाय पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, या फिर ट्रायंगल लॉ इज कंटेन्ड इन पैरेललोग्राम लॉ। मींस कहना क्या चाह रहे हैं कि हम पैरेललोग्राम लॉ से ट्रायंगल लॉ को प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। सो आप लोग ये करके लिख लीजिए क्वेश्चन, आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ पैरेललोग्राम लॉ फ्रॉम, सॉरी, प्रूफ वेक्टर्स लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, लिख लिया, प्रूफ ट्रायंगल लॉ फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, तो इससे एक हम लोग क्वेश्चन करके देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि एक वेक्टर दिया हुआ है, आज मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, उसको जरूर कीजिएगा आप लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, दो तीन, ज्यादा नहीं भेजूंगा। एक हो गया ए बी, और ये है सी वेक्टर, तो आप लोग अपनी कॉपी पे ड्रॉ कीजिए जल्दी जल्दी, और ये हो गया आपका और ये है, ठीक है, समझ गए। ये एक पैरेललोग्राम बनाया हूं मैं, ठीक, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाया है, आप भी अपनी कॉपी में बना लीजिए, ठीक। तो इसमें बोल रहा है कि हमने दो डायगनल्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है, एक डायगनल है आपका ए सी, और दूसरा डायगनल बी डी, ठीक है, दो डायगनल ड्रॉ कीजिए आप लोग, ये लर्निंग के लिए क्वेश्चन है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, एक ए सी हो गया और दूसरा जो है बी डी हो गया, ठीक है, समझ गए।
तो दो डायगनल्स है और इसमें आपको प्रूफ करना है कि AC प्लस BD, पहला आपको प्रूफ करना है कि वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD है ना इज इक्वल्स टू टू टाइम्स वेक्टर BC। ये प्रूफ करके दिखाइए जल्दी से, हो जाएगा किसी से? हो गया? नहीं हुआ किसी से? अरे कोई भी नहीं कर पा रहा है। अरे आप लोग कॉपी तो ओपन कीजिए यार, कोई कर ही नहीं रहे कॉपी ओपन। कॉपी में लिखना है इसको, क्वेश्चंस को। रेशमी हो गया? नहीं, चुप। रेशमी नो सर, अभी तो करो। श्री हर्षिनी, श्रीदत्त कर रहे हैं सर। करो 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 जल्दी करो। हो गया किसी का? इतना सिंपल तो है। इतना टाइम लगाओगे तब तो हो गया यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हो गया, चलो बताओ क्या किया, बोलो फटाफट। लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही लिख रहे दिया। यानी एसी वेक्टर को देखिए, जो वेक्टर एसी है ना, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये देखिए एसी वेक्टर को क्या लिखेंगे बोलो? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यानी ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर लिखेंगे। और फिर बी डी वैक्टर को क्या लिखेंगे? जो बी डी है लेफ्ट साइड वाला है ना, बी डी वैक्टर। तो ये है आपका बी डी वैक्टर। तो बी डी को क्या लिखेंगे? दिस प्लस दिस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बी डी के इसको किस दोनों का सम है? लिखेंगे। बी सी प्लस सी डी, सो इट इज बी सी प्लस सी डी। ठीक है, हो गया। अब देखिए दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इधर हो गया क्या आपका ए सी प्लस बी डी हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये बी सी प्लस बी सी, तो ये टू बी सी बन गया। ठीक है, बी सी, ये वाला बी सी और ये वाला बी सी, दोनों टू बी सी हो गया। अब ए बी और सी डी को देखिए, ए बी वैक्टर जो है और सी डी वैक्टर, ये पैरेललोग्राम के दो साइड इक्वल होते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं बोलिए? ए बी और सी डी आपस में इक्वल है या नहीं है? हैं? Yes, ठीक है, लेकिन आप देखिए ए बी का डायरेक्शन और सी डी का डायरेक्शन अपोजिट है, बोलिए? ए बी और सी डी, ए बी अगर इस डायरेक्शन में तो सी डी इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं? अरे बोलो। Yes, तो ये डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो सी डी को हम लोग माइनस ए भी नहीं लिख सकते हैं। ये जो माइनस है इसको हम लोग यहाँ लेके आ जाएंगे, तो सी डी की जगह पे क्या लिख देंगे? माइनस ए भी। ठीक है, तो ये जो सी डी था आपका, इस सी डी की जगह पे हम लोग देंगे अब माइनस ए भी। ठीक है, इट बिकम्स
माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर माइनस बी प्लस ए बी कैंसल आउट हो गया, तो बी सी प्लस बी सी टू बी सी ही रह गया। आगे बात समझ में सबको, बोलिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अरे यार ठीक है, चलिए इसी का, इसी फिगर में सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन। चलिए इसका रिजल्ट भी नहीं बताऊंगा, आप लोग को खुद बताना है ए सी माइनस बी डी कितना होगा, जल्दी बताइए फास्ट। ए सी वैक्टर माइनस बी डी वैक्टर कितने के बराबर होगा? कितने के बराबर आ रहा बताइए जल्दी। ये भी नहीं हो पा रहा आप लोगों से, टू बी सी, टू बी सी फिर से। यस सर भैया आ रहा, क्या बात कर रहा भाई तू, सीडी लिख लो आप। यार क्या कर रहा है तू है, देख एसी माइनस बीडी, तो एसी तो यही है और BD को यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे बस, तो उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये माइनस हो गया और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर पहले से माइनस था है, माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। समझ ही नहीं आ रहा किसी को, आ रहा है सर, बस सर आ रहा है, ठीक है। देखो सिंपल सा है, एक मिनट, पार्थ इससे रिलेटेड एस सी वर्मा में क्वेश्चन है, वो कर पहला एक शुरू से एक से पांच में क्वेश्चन है, हर जगह पे वो 500 एक हेक्सागन बना रहा है, 500 मीटर चल रहा है, ठीक है, 500 500 30 डिग्री एंगल बना के चल रहा है, तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ये क्वेश्चन करके भेजना मेरे पास, ठीक है पार्थ। कौन सा क्वेश्चन, आवाज नहीं आई, एस सी वर्मा में इस चैप्टर में शुरुआत में ही है, मैं क्वेश्चन नंबर सेंड कर दूंगा तुमको आज, ठीक है। क्वेश्चन एक से पांच तक में ही है कि मतलब एक हेक्सागनल पाथ पे जा रहा है, 500 मीटर चला 500 मीटर चला, 30 डिग्री टर्न लेके है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी के ऊपर में बेस्ड, ठीक है। तो और क्या बोल रहा था, हाँ ये देखिए इसमें सिंपल क्या हो गया कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो हमने यहाँ पर बी सी प्लस जो सी डी था, इस सी डी को हमने माइनस ए बी लिख दिया है, तो ये माइनस ए बी है। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से लिखो क्या कि ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें सबको, यहाँ पर पहले से माइनस था और फिर से जब हम लोग माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस बी सी और ये माइनस बी सी कैंसल आउट हो गया, अब ए बी और प्लस ए बी तो क्या बन जाएगा, टू ए बी बन जाएगा। नहीं समझ आया, आया, सो इट बिकम्स टू टाइम्स ए बी, ठीक है। तो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। मिटा दूं इसको, कोई दिक्कत, तो एक क्वेश्चन मैं आज दूंगा आपको, दो तीन क्वेश्चन, एक पेंटागन से रिलेटेड दूंगा, एक हेक्सागन से रिलेटेड दूंगा, तो उसका छोटा भाई जो है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे पेंटागन का जो क्वेश्चन दूंगा उसका छोटा पार्ट छोटा वर्जन मैं अभी करा दे रहा हूँ। जैसे सपोज एक देखिए वेक्टर ए है, फिर वेक्टर बी है, हाँ अभी याद आया मेरे को क्या छूटा था, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, वही मेरे दिमाग में आ रहा था क्या मैं भूल गया पढ़ाने के लिए, इसको पहले लिख लेता हूँ नहीं तो फिर भूल जाऊंगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, याद दिला देना भाई, पोजीशन वेक्टर मेरे को पढ़ाना था ये मैं भूल गया था पढ़ाना, ठीक है। तो एक वैक्टर ये हो गया, बी वैक्टर ये हो गया, और ये है आपका सी वैक्टर, ठीक है, समझ गए। कैसा शेप लग रहा है आपको देखने में, कैसा शेप लग रहा है, ट्रायंगल है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बंदा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना होगा, ठीक है, तो 180 डिग्री हो जाएगा, मालूम ही है सबको ट्रायंगल के तीनों का सम 180 डिग्री होता है। आप लोग सोचिए क्या होगा जल्दी, फास्ट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट।
इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाएगा क्या यार? टू सी वेक्टर जी क्या बोला तू? कुछ नहीं सर, टू सी वेक्टर कुछ भी बोल रहा, कुछ भी। आज तो क्या पीपा तो नहीं लिया आज है? वो भी सस्ते वाला। नहीं सर, लॉकडाउन है सुबह यार। से खाली गलत गलत आंसर वाला तो लॉकडाउन में तो सबसे पहले यही मिलता है भाई है? तब से तो सुबह से कुछ भैगी भैगी बातें कर ही रहा है, एक भी सही आंसर नहीं दे रहा है। हाँ और कोई बताओ जल्दी, नाम लेके पूछना पड़ेगा। वो कहाँ पटनवार अपना? हर्ष। हाँ हर्ष, ये यस देखो तो छुप के बैठा रहता भाई, कुछ बोला तो कर है? बोलता। और तुम लोग इतने बड़े बड़े दिग्गज हो के तुम्हारी क्लास में कोई आके वो गाना बजा देता, तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो, बताओ है? ये काम मेरे को मिला होता तो मैं पकड़ के अभी उसको पेल दिया होता। बाद में जो टीचर बोलेगा देखा जाएगा, बाद में उसको इतना मारो पकड़ के, जो भी है उसको इतना मार दो कि वो बचे ना। ढूंढ ही इतनी रहा हूँ सर हरकत कौन कर उसको। सकता है? हाँ इतनी हरकत कौन कर सकता है? किसकी माँ ने इतना दूध पिला दिया भाई? पता करते हैं। सामने आ जाए, अगर औकात है तो सामने एक बार आके दिखा, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो। इंग्लिश की क्लास वाले को आसान समझ लिया है बच्चे ने। चलो बताओ, ये देखो सिंपल सा है, कितना आसान सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। देखिए आपको, देखिए इसको मैं छोटा वर्जन बना के दिखाता हूँ। ये है वेक्टर ए ठीक, और ये है वेक्टर बी ठीक है। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को सम करूंगा तो आएगा आपका ये, आएगा या नहीं आएगा? अरे बोल दो थोड़ा सा। तो ये वेक्टर हो गया ए नहीं प्लस बी, दो वेक्टर को मैंने प्लस किया है, दिस इज वेक्टर ए प्लस बी ठीक। अब जो है हम लोग बात कर रहे हैं, इस वेक्टर को, इस दोनों का सम आ गया आपका ये वाला वेक्टर ठीक है, और इस वेक्टर के ऊपर में आप एक वेक्टर इसको ऐड कर रहे हो। समझ नहीं आया क्या? बकवास किया मैं? किसी को समझ आया? देखो सी ये वक्त वेक्टर जो है, ये वेक्टर अगर हम लोग इसी को ऐसे चलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी वेक्टर बनेगा। ये अभी जैसे मैं चल रहा हूँ देखो, ऐसे ए प्लस बी वेक्टर बनेगा, और सी सर वेक्टर क्या ऐसे आ रहा है। अब समझ आया इस कॉन्सेप्ट सबको? यस तो क्या बनना चाहिए बताओ? जीरो। आंसर 0। यस क्योंकि देखो ना, ये ए है ये बी है, तो ये ए प्लस बी, अब जो ये बनेगा ये सी के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, जिसको हम लोग माइनस सी लिख देंगे है ना। ये जो बन रहा है, एक मिनट, ये जो आपका, एक बार फिर से बताता हूँ रुको, कुछ लोग समझ नहीं पाए जीरो कैसे होगा, ये तो चमत्कार है। अभी दो तरीके से जीरो ला के दिखाता हूँ मैं। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी ठीक है, और ये वेक्टर है आपका, इसको हम लोग माइनस सी लिख दें अगर आपको बुरा ना लगे तो, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन का फिगर ये ऐसे था सी वेक्टर, तो ये क्या होगा? माइनस सी हो जाएगा। लिख दें ठीक यस है। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं, एक वेक्टर सी है और एक वेक्टर माइनस सी है, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? नल वेक्टर बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? अरे बनेगा बोलो। यस तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? नल वेक्टर ठीक है। चलिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि ये सर क्या फालतू इतने देर से बकवास कर रहे हो ठीक है, मैं तो आंसर निकाल के बैठा हुआ था, उनका दिल अभी जो है दुखेगा ठीक है। देखो कैसे कुछ लोग इसका आंसर निकाल के बैठे हुए थे, तो उसको अभी दिल से बुरा लगने वाला है। ये देखो, ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ठीक, और ये वेक्टर सी है ठीक। मैंने आपको बोला था कि इसका रिजल्टेंट बताना है, ए प्लस बी प्लस सी ठीक है।
शुरुआत कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ, ए से। तो ए के इनिशियल को प्लस ए का जो टेल और जो फाइनल वेक्टर है उसका हेड को ज्वाइन कर दो, कौन सा पॉइंट मिला? फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड को ज्वाइन कर दो, कौन सा वेक्टर मिला? कौन सा मिला? जहां से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म हो गया ना भाई। समझ ही नहीं आ रहा किसी को। जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? जीरो हुआ ना। यस सर। तो बस आ गया आंसर, इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा हो गया नल वेक्टर। आगे बात समझ में कि नहीं आई? आई सर। हाँ तो आज आज इसी से रिलेटेड मैं आपको दो क्वेश्चन भेजूंगा, एक पेंटागन वाला एक हेक्सागन वाला, ठीक है? उसको आप लोग सॉल्व करके रखिएगा, मैं किसी से भी मांग लूंगा, चलो कैसे किया दिखाओ। ये नहीं उसको ऐसे नहीं किसी तरह बोलना कि ये इनिशियल या फाइनल जीरो कर दिया, उसका पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है? समझ रहे हो? चलिए उसके बाद फिर हम लोग पोजीशन वेक्टर बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट। अच्छा अभी 10 बजे से कोई क्लास भी है क्या आपकी? यस सर, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की है। अच्छा 10 बजे से केमिस्ट्री, फिर मैं छोड़ दूं? अच्छा चलिए एक दो मिनट में मैं कर देता हूं, क्योंकि केमिस्ट्री क्लास है तो अगले दिन लोग पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा गैप भी मिलना चाहिए। जल्दी जल्दी एक पोजीशन वेक्टर देख लीजिए दो मिनट में फटाफट, नहीं तो ये क्या है ना भूलने वाली चीज, मैं भूल जाऊंगा। ये ओ है, ये पॉइंट पी है, ठीक है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको पोजीशन दिखाना है तो बस इस पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है? ओ से उसको ज्वाइन कर देंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया ओपी वेक्टर, बस इतना ही बताना था, ठीक है? ये क्या है ना छोटी सी चीज है, बार बार मेरे दिमाग से निकल जाता है कि ये सिखाना है आपको। किसी का भी अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो उसको हम ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर निकल जाता है, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई बंदा है ना P से Q तक चल के गया, ठीक, तो उसका O P का पोजीशन वेक्टर हो गया OP और Q का पोजीशन वेक्टर हो गया मालूम है क्या? Q पे जब वो पहुंचा है तो उसका पोजीशन वेक्टर, उसको हम लोग ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है OQ, ठीक है? लेकिन वो डिस्प्लेस कितना हुआ तो P से Q को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो अब आप देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए तो आपको OP, ध्यान से देखिएगा, OP प्लस PQ इज इक्वल्स टू क्या होगा, बोलिए जल्दी से। ये देखिए ना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस प्लस दिस क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? ओ ओ क्यू ना। ओके, अरे दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस ओ क्यू, ठीक है? सो अब आप यहां से देख सकते हैं PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ठीक है? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, बस। तो P से Q तक वो कितना डिस्प्लेस किया तो इसका पोजीशन में से इसका पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देना, दैट्स इट, ठीक है? सो PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ठीक है? यहां से यहां तक कितना चला, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और उसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, दैट्स इट, पोजीशन वेक्टर। समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो फिर तो आज आप लोग चले जाइए, फिर हम लोग कल की क्लास, कल तो आपकी कौन सी क्लास होगी, कल देखते हैं किस टाइम है, कल भी शायद 9 बजे ही होगा। अच्छा कल छुट्टी हो जाएगी क्या? कल कोई स्लॉट खाली होगी तो बता दीजिएगा मुझे, अगर नहीं खाली होगी तो फिर परसों देखा जाएगा, ठीक है? तो अभी आप लोग जाइए।